नेक्स्ट इज़ हाउ ब्रेड आर फॉर्म्ड. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ सीरियल. सीरियल मीन्स अनाज, अनाज के आटे से बनता है. डव इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ बेकर ईस्ट एंड इन दैट डव यू आर यूजिंग द बेकर स्टिक. डव मीन्स आटा गूंदना. अगर आप आटे में पानी डालकर उसको गूंदते हैं तो उसको डव कहा जाता है. अब इन दैट डव यू आर मिक्सिंग दिस बेकर ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइट सर्वे ई एंड वाटर सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल विद दैट फ्लोर एंड ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट द शुगर इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल एंड डव रेजेज अप ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी. सो दिस इज नोन एज हाउ द ब्रेड द डव इंक्रीज इन साइज. यू हैव सीन द डव ऑफ नान. अगर घर में नान बनता है या भटूरे बनते हैं तो यू हैव ऑब्जर्व दैट द मदर यूज टू कीप द डव एंड एड सम कर्ड इन इट. कर्ड क्यों डाला? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस. ईस्ट भी प्रेजेंट होता है कर्ड में, दही में, इसलिए थोड़ा दही डालकर वो आटा लगाया जाता है और उसको ढककर रखा जाता है टू इंक्रीज द फर्मेंटेशन. एंड व्हेन द फर्मेंटेशन इज ऑकर्ड इट इंक्रीजेज द डव इंक्रीज इन इट्स साइज. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड एज ऑन कमर्शियल यूज़. अगर हमको बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है दैन वी आर नॉट यूजिंग कर्ड, वी आर यूजिंग द बेकर ईस्ट नोन एज सैक्रोमाइट सर्वे ई इन दैट फ्लोर एंड देन वी आर कीपिंग इट एंड ड्यू टू द फर्मेंटेशन मीन्स द बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एंड ड्यू टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड द कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रैप्ड इन द फ्लोर एंड ड्यू टू विच द साइज ऑफ द फ्लोर इंक्रीजेज. डव फूल जाता है. देन कंप्रेस्ड ईस्ट इज़ यूज इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री. जैसे बेकर ईस्ट यूज़ किया, एक और वेराइटी आती है उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड ईस्ट. ईस्ट को और बारीक पाउडर वो भी यूज़ किया जाता है कमर्शियली. इट इज़ अवेलेबल इन ड्राई ग्रैन्यूल्स फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज़. नाउ द ईस्ट प्रोडक्ट्स फॉर कमर्शियल यूज़ कंटेन वेरियस यूजफुल कंटेंट लाइक ईस्ट. खुद मतलब खुद फंगी के अंदर ये फ़ायदे होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट है उसमें, फैट है, प्रोटीन है एंड वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल. मतलब ईस्ट इज़ ऑल्सो रिच इन दिस कंटेंट एंड ड्यू टू दिस द ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रेटिव. इसलिए ईस्ट का यूज़ करके जो भी ब्रेड बनता है वो न्यूट्रेटिव हो जाता है. इंग्रेडिएंट लाइक विनेगर, सोया सॉस एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजिनोमोटो दैट आर यूज इन प्रेजेंटली पॉपुलर चाइनीज फूड आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. मीन्स जो चाइनीज़ फूड के लिए हम सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं या विनेगर और अजीनोमोटो जो यूज़ करते हैं वो भी फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विनेगर, सबसे पहले देखेंगे हाउ विनेगर इज़ प्रोड्यूस. विनेगर इज़ केमिकली 4% एसिटिक एसिड. विनेगर इज़ यूज इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट द सोर टेस्ट. खट्टा खट्टा टेस्ट लाने के लिए डाला जाता है एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल सॉस कैचअप चटनी एक्सेट्रा. प्रिजर्वेटिव यानी जो हम ऐड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में उसकी उसको सड़ने से बचाने के लिए. केमिकली इट इज़ 4% एसिटिक एसिड. केमिकली विनेगर क्या है? 4% एसिटिक एसिड है. इथेनॉल एंड अल्कोहल ओबटेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड लाइक फ्रूट जूस, मैपल सिरप, शुगर मोलेसिस, स्टार्च ऑफ द रूट विद द हेल्प ऑफ ईस्ट सैक्रोमाइट सर्वे ई. अब अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले यानी आपको विनेगर बनाने से पहले अल्कोहल बनाना है इथेनॉल, और ये बनाने के लिए हम लोगों को फर्मेंट करना होता है फ्रूट जूसेस को यानी फलों के जूस को आप फर्मेंट कर सकते हो. मैपल सिरप होता है एक, उसको मतलब मैपल सिरप में गूदा होता है फ्रूट का बहुत ज़्यादा गाढ़ा पार्ट,
उसको सड़ाया जाता है, या फिर चाशनी वाले शुगर मोलेसेस, शक्कर की चाशनी को सड़ाना है, या फिर स्टार्च है जो कि किसी की रूट में से निकाला गया है उसको आप सड़ा रहे हो, और ये सड़न कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई सैक्रोमाइट सर्वेई। अब यहाँ पर जब सड़ा लिया गया, द मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रैंड लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकान विथ इथेनॉल आर इज मिक्सड विथ इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। जब हम लोग इसको सड़ा देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है इथेनॉल। अब वी हैव टू कन्वर्ट दिस इथेनॉल इंटू एसिटिक एसिड। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दैम? यू हैव टू एड द बैक्टीरियल स्ट्रेन लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकान्स इन द इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, ताकि उसका ब्रेकडाउन हो सके। अब इथेनॉल को ब्रेकडाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब्स। नाउ एसिटिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम इट। नाउ एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर एंड द एसिटिक एसिड इज ब्लीच विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट एंड पॉस्चराइज एंड फाइनली वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सल्फर गैस इज मिक्सड इन दिस पॉस्चराइज एसिटिक एसिड एंड नाउ यू आर गेटिंग द विनेगार। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि सबसे पहले तो अल्कोहल बना लिया, तो ईस्ट का मदद से आपने अल्कोहल बनाया और उस अल्कोहल में एसिटोबैक्टर और ग्लूकान का मिक्सचर डाला, जिससे इथेनॉल के दो प्रोडक्ट बन गए, जिसमें से हमने एसिटिक एसिड को अलग किया। अलग करने के बाद हमने उसको रिफ्रैक्शन यानी वापस से सेपरेट किया, या आप ऐसा बोल सकते हो प्यूरीफाई कर लिया, और फिर इसको हमने ब्लीच किया क्योंकि उसका कलर अच्छा नहीं है, और ब्लीच करने के लिए वी आर यूजिंग पोटेशियम फेरोसाइनेट, और फिर हमने थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया और बाद में इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की है या मिक्स कर दी, और ये जो बना दैट इज़ योर विनेगार। और विनेगार के बाद तीसरा जो चीज़ बनाना है दैट इज़ सोया सॉस। सो सोया सॉस जो बनता है वो हम लोग फिर से आटो को सड़ा कर बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्लोर। ठीक है,